हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रुप डी वैकेंसी को ग्रुप सी जब हुआ तो क्या इसमें आईटीआई लागू कर दिया गया, और आईटीआई लागू करने से आगे बेनिफिट क्या मिलेगा इसमें, क्या इसमें सिंगल एग्जाम हो जाएगा ग्रुप डी को ग्रुप सी होने से, और आईटीआई इसमें जब इंक्लूड हो गया तो आईटीआई लग जाने से इसमें क्या आगे बेनिफिट होता है। जैसे हम लोग का वैकेंसी जो था ग्रुप डी था, अभी ग्रुप डी से आने के बाद में इसमें आईटीआई उस समय लागू नहीं किया गया था, लेकिन हम लोग के बाद में आईटीआई का नियम फिर से बना कि फिर से आईटीआई लगेगा तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप डी को ग्रुप सी कर दिया गया, और उसे आगे क्या बेनिफिट होने वाला है इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल अगर नहीं है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल बटन में दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ग्रुप डी वैकेंसी को ग्रुप सी भारत सरकार के द्वारा, रेलवे मिनिस्टर के द्वारा आपको बहुत पहले ही कर दिया गया। 2019 का जब वैकेंसी आया उसके बाद में जब हंगामा हुआ कि जे नहीं इसमें से आईटीआई को हटाइए, तो आईटीआई को नहीं हटाया जा रहा था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद बहुत सारा बवाल हुआ, उसके बाद आईटीआई को उसमें से हटा दिया गया और आईटीआई नहीं लगा उसमें। लेकिन फिर उसमें उस समय रेलवे मिनिस्टर के द्वारा एक आया था बयान, और उसके बाद में एक कागज भी आया था जिसको क्या बोला जाता है नोट्स, जो भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा अपना विज्ञापन जारी होता है कि इसके बाद में ये चीज लागू किया जा सकता है। तो क्या किया गया कि उसमें बताया गया कि इस वैकेंसी के बाद में अब अगले वैकेंसी में जब इसको ग्रुप सी किया जाता है तो इसमें आईटीआई को इंक्लूड कर दिया जाता है। तो फिलहाल उसके बाद से अभी वैकेंसी नहीं आई है, ये बात सब कोई जान रहा है और हम भी जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं। देखिए कब तक उसका वैकेंसी आता है, उसका इंतजार बहुत कोई स्टूडेंट कर रहा है जब तक उसका वैकेंसी नहीं आ जाता है। उसके साथ साथ एलपी टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आने वाला है, लेकिन देखिए उसके बारे में कब हुआ पता है। आईटीआई जब इसमें लगाया तो क्या इसमें सिंगल एग्जाम होगा या डबल एग्जाम होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम लोग के समय में क्या किया गया था कि दो एग्जाम को प्रीफर किया गया था कि आपका दो एग्जाम होगा, तो नोटिफिकेशन में बोला ही नहीं गया था कि दो एग्जाम होगा, लेकिन बाद में उसको इंक्लूड कर दिया गया कि दो एग्जाम होगा, क्योंकि जब बढ़ती भीड़ संख्या के कारण ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो गया, करोड़ों में फॉर्म अप्लाई था ग्रुप डी का, जिसके कारण उसको बोल रहा था कि डबल एग्जाम देंगे, इसमें फर्स्ट एग्जाम क्लियर करने वाले को सेकंड एग्जाम देना होगा, उसके बाद पीटी करना होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। तो काफी लंबा प्रोसेस था, लेकिन उसको हटा दिया गया, बहुत सारा बवाल हुआ तो उस सब हट गया और सिंगल एग्जाम देकर हम लोग ज्वाइनिंग हो गए। फिर उसके बाद में जब आईटीआई लगाया है इसमें, तो आईटीआई लगाने के मकसद उसका क्या है, क्या ग्रुप सी करने से उसको दो एग्जाम लेना होगा, तो इसके बारे में तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी है, लेकिन लगता है अगर उसको दो एग्जाम लेना होगा तो बहुत ही मतलब मशक्कत करना होगा, और फर्स्ट एग्जाम क्लियर करने के लिए फिर फर्स्ट एग्जाम के बाद में सेकेंड एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद पीईटी होता है, क्योंकि पीईटी आप लोग जानते करते हैं कि 4 मिनट 15 सेकंड में आपको रनिंग करना होता है और 35 kg वेट होता है और 200 मीटर उसको ले जाना होता है, उसका समय भी उसमें देता है। हम लोग वैसे किए थे तो हो गया, नहीं 200 मीटर नहीं, शायद 100 मीटर रहता है, थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ, क्योंकि हम लोग तैयार किए तो हो गया, मतलब हम लोग का जनवरी महीने में हुआ था, हम लोग 100 मीटर 2 मिनट में शायद जाना रहता है, हाँ 100 मीटर 2 मिनट में 35 kg उठा कर ले जाना रहता है, तो उसमें ऐसा प्रोसेस रहता है। तो उसका भी प्रोसेस कोई छोटा नहीं रहता है, रनिंग कीजिए, रनिंग करने से पहले ही उसके बाद में बोरी ढोना होता है, 35 kg वाला वेट होता है, ये सब चलता है, तो ये सब बहुत लंबे प्रोसेस होता है। अगर डबल एग्जाम होता है तो ग्रुप सी करने का मकसद क्या है, अभी इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आया जिसके कारण हम ज्यादा इस पे बोल दें, लेकिन आईटीआई के बारे में बताएंगे कि आईटीआई बहुत जरूरी है ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए, आईटीआई बहुत जरूरी है, और ग्रेजुएशन भी आपका फाइनल होना चाहिए। अगर आईटीआई कर लेते हैं तो आईटीआई के सेम सेशन में आप लोग ग्रेजुएशन नहीं कीजिएगा, करने के लिए तो कर सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ अप्लाई नहीं हो सकता है। आईटीआई कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लीजिएगा, उसे बेनिफिट हो जाता है आईटीआई में, जैसे हम लोग आईटीआई का एग्जाम दिए थे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला हम लोगों को, हम लोग ग्रेजुएशन लगाए, आईटीआई नहीं लगा पाए। आप अगर ग्रेजुएशन और आईटीआई दोनों कर लेते हैं तो आईटीआई आने से क्या होगा, जीडीसी में जैसे आप आइएगा, वैकेंसी कंप्लीट करके आप अंदर आइएगा और उसके बाद में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जीडीसी में आपको अप्लाई करने के लिए, जैसे अभी हम लोग के जोन में निकला हुआ है लोको पायलट एएलपी, मतलब एएलपी कहीं वैकेंसी होता है, लोको पायलट बाद में बनते हैं, पहले असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं बाद में लोको पायलट बनते हैं, और जेई गार्ड का वैकेंसी हम लोग कायबे नहीं किए तो ग्रेजुएशन करने से कोई फायदा नहीं हुआ, और टेक्नीशियन का वैकेंसी और जेई का वैकेंसी, ये सब डिपार्टमेंट में वैकेंसी आया है अभी हम लोग का। तो जो स्टूडेंट आईटीआई करके आए हैं उनके लिए काफी अच्छा बेनिफिट मिल गया है, तो इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ अपनी जानकारी के अनुसार में कि आईटीआई बहुत ही जरूरी है। आईटीआई अगर करते हैं और ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन दोनों सेम सेशन में नहीं करना है, और आईटीआई से आपको अच्छा बेनिफिट जीडीसी में मिल जाएगा कि आपको एएलपी अगर पॉइंट्समैन में आते हैं तो एलडीसी अगर लेट आता है जीडीसी आता है तो जीडीसी से एग्जाम प्रीफर देके आप आगे जा सकते हैं, तुरंत ही जा सकते हैं, जैसे ग्रुप डी में आप आए ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, तुरंत आगे आप जा सकते हैं और अपना आगे चल जाइएगा, तो हो सकता है आपको एलडीसी का कोटा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ग्रुप डी में हम लोग आए हैं उस समय, उसके बाद में ग्रुप सी इसको हुआ है तो ग्रुप डी अभी बता रहे हैं तो आए हैं, उसके बाद में अभी एलडीसी का फॉर्म नहीं आया है, कुछ दिन पहले आया था अभी नहीं आया है। एलडीसी का कोटा अपॉइंटमेंट के लिए केवल
रहता है, उनका ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट रहता है, इसलिए उनको दिया जाता है और उनका कोटा ज्यादा रहता है, 74% के आसपास में उन लोगों का कोटा रहता है। तो अपॉइंटमेंट ज्यादा सेलेक्ट हो जाते हैं गार्ड, मास्टर और सीनियर टीसी और सीसी, ये सब में वो चले जाते हैं। लेकिन ओपन वैकेंसी जैसे जीडीसी हो गया तो सब कोई अप्लाई कर सकता है, जो भी ग्रुप बी में स्टूडेंट हैं तो सभी कोई अप्लाई कर सकते हैं जीडीसी के तहत। तो जीडीसी में जानते हैं उस समय क्या हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ग्रेजुएशन और आईटीआई दोनों सेम सेशन में हो जाता है, जिसके कारण अगर वो आईटीआई लगाते हैं तो उनका ग्रेजुएशन बेकार हो जाता है, अगर ग्रेजुएशन लगाते हैं तो उनका आईटीआई बेकार हो जाता है। ऐसे बहुत सारा लफड़ा हुआ है, हम लोग के बैच में ऐसे बहुत ही स्टूडेंट था, लेकिन कम ही स्टूडेंट था जो आईटीआई कर लिया था उसके बाद में ग्रेजुएशन किया था। क्योंकि ये सब भी आप समझ रहे हैं कि बिहार से अगर आप करते हैं तो कितना लंबा आपको समय उसमें गुजर जाता है। बेसिकली अगर उस बिहार स्टेट से नहीं भी करते हैं, दूसरे स्टेट से करते हैं, उत्तर प्रदेश से करते हैं, चाहे दूसरे स्टेट से करते हैं, फिर भी आपको आईटीआई में अगर देते हैं वन ईयर वाला अगर कोर्स करते हैं तो एक साल के बदले मतलब डेढ़ साल लग जाता है उसमें भी। अगर आईटीआई का दो साल वाला कोर्स करते हैं इलेक्ट्रीशियन फीटर अच्छा ट्रेड, तो आपको दो साल से थोड़ा और ज़्यादा ही लग जाता है। उसके साथ अगर ग्रेजुएशन करते हैं तीन साल का तो पाँच छः सात साल आराम से दोनों मिला के आपका खर्च हो जाता है, लग जाता है। तो मैट्रिक इंटर उसके बाद में आईटीआई कीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशन कीजिए, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसी के कारण क्या करता है लोग ग्रेजुएशन और आईटीआई में दोनों एक साथ नामांकन करा देता है। आईटीआई का एग्जाम दे दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, गवर्नमेंट वाला निकल गया तो आराम से उसमें एडमिशन करा दीजिए, और वो भी चलते रहता है, ग्रेजुएशन वाला एडमिशन रहता है वो भी चलता रहता है, दोनों हो जाता है। लेकिन बाद में इसका लफड़ा लग जाता है, तो आप लोग आईटीआई अलग सेशन में कर लीजिएगा, आसान रहेगा, अच्छा रहेगा, और ग्रेजुएशन अलग सेशन में कर लीजिएगा। बाई द वे आपका आईटीआई यहाँ आए लेके ग्रेजुएशन, आईटीआई से जीडीसी का वैकेंसी नहीं आया हो सकता है, और एलडीसी से वैकेंसी कोटा से आ गया आपका गार्ड मास्टर टीसी वाला, था अगर आप ये किए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आईटीआई बहुत ही आवश्यक है सभी स्टूडेंट के लिए जब तक यह ग्रुप सी होता है। अभी तो कई इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस एक बार आया था, उसके बाद में अभी तक कोई नहीं आया, कोई दूसरा नहीं आया, अभी तो हम लोग इसके बारे में ग्रुप बी ग्रुप डी ही बोल रहे हैं, ग्रुप सी नहीं बोल रहे हैं, कि जब तक इसका वैकेंसी ओपन नहीं हो जाता है और फिर से फॉर्म नहीं हो जाता है और ग्रुप सी करके जारी नहीं हो जाता है, तब तक सब कोई को अभी पूरा उतना ज्यादा मालूम नहीं रहता है कि ग्रुप डी को ग्रुप डी ही लोग बोल रहा है। हम लोग भी आए थे उस समय ग्रुप सी हो गया था, लेकिन सब लोग ग्रुप डी ही बोल रहा था, उसे कोई दिक्कत नहीं है ग्रुप डी हो या ग्रुप सी हो। अगर लेवल हम लोग का वही 1800 है बेसिक है, तो ग्रुप सी अगर करके ग्रुप डी को करता है तो हो सकता है बेसिक बढ़ाए, तो इसके बारे में कुछ हो सकता है अलग हो, तो जब आएगा उसके बारे में नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से उस समय हम आपको बताएंगे, आप लोग जानेंगे, या नोटिफिकेशन उसका निकलेगा उस समय भी आप लोग जान जाइएगा। लेकिन आईटीआई करना जरूरी है, आईटीआई से बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, मैंने बहुत सारा बेनिफिट आपको बताया, और पॉइंट्समैन के लिए बेसिकली मैं अलग से एक वीडियो बना के बात करूंगा कि पॉइंट्समैन क्यों सबसे बेस्ट जॉब माना जाता है ग्रुप डी वैकेंसी में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो के अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अगर कोई भी